दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे LG के नैनोसेल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसी के साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस साल 2020 में नैनोसेल टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी सीरीज है, कौन कौन से मॉडल है और वो कब तक 2020 में आपको अवेलेबल होंगे, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटर आने, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि नैनोसेल टेक्नोलॉजी किस ढंग से काम करती है। तो नैनोसेल टेक्नोलॉजी में जो LG की तरफ से दिया गया है वहाँ पे आपको हर नाम में नैनो नैनो दिखाएगा, जैसे कि नैनो कलर, नैनो एक्यूरेसी, नैनो बीजल, तो ये सारे आपको बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी देखने मिलेंगे LG की तरफ से। और बात करें इस टेक्नोलॉजी किस ढंग से काम करती है, तो मेरे पास एक छोटा सा क्लिप है, वो आप देखिए और आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस ढंग से टेक्नोलॉजी काम करती है। तो यस, हियर वी गो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि नैनोसेल टेक्नोलॉजी किस ढंग से काम करती है। अब यहाँ पे समझते हैं कौन कौन से सीरीज आपको 2020 में देखने मिलने वाले। तो 2020 में आपको अलग अलग सीरीज है, जैसे नैनो 81, नैनो 85, नैनो 90 और 99, ये अलग अलग सीरीज है। अब आपको स्क्रीन पे उसके वेरियंट्स, उसके सीरीज और इसी के साथ साथ उसकी अवेलेबिलिटी आपको दिख जाएंगी। बात करें यहाँ पे इन टीवी के प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग अभी तक मुझे एग्जैक्ट LG की तरफ से आइडिया नहीं है कि कितनी प्राइसिंग होगी, लेकिन आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो टीवी है, आपको बोलते हैं ना 50-60 हज़ार रुपये के प्राइस वाली नहीं है, यहाँ पे जो भी टीवी है यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख के बीच या फिर उससे भी ज़्यादा प्राइसिंग हो सकती है LG की तरफ से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो नैनोसेल टेक्नोलॉजी जो कैटेगरी है LG की तरफ से, वो अलग ही लेवल है। मतलब आपको OLED टीवी जो होती है उससे आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी ऑसम, एक्सेलेंट, एकदम बोलते हैं ना सुपर होने वाली है। आपको एक बोलते हैं ना इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने मिलेगा इसी टीवी में। और अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो आपको नैनोसेल टेक्नोलॉजी या फिर नैनोसेल सीरीज में देखने मिलने वाला है LG की तरफ से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फुल एरे LED देखने मिलने वाला है विथ लोकल डिमिंग फीचर। ये फुल एरे LED का मतलब यहाँ पे समझ लेते हो। यहाँ पे फुल एरे LED मतलब की होता है कि जो हमारी जो टीवी की स्क्रीन है उस पर LED भर भर के लगाए, मतलब एकदम बोलते हैं ना पूरा स्क्रीन LED से भर दिया है। और उसी के साथ ही साथ आपको लोकल डिमिंग का फीचर मिलता है। लोकल डिमिंग के फीचर के थ्रू होगा क्या कि जो उसके जो ब्लैक्स होते हैं एकदम इंप्रूव होते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो जनरेट होता है इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको नैनोसेल टेक्नोलॉजी में देखने मिलने वाली। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, कौन सा प्रोसेसर लगाया गया इस टीवी में। तो यहाँ पे α9 का 3rd जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर लगाया गया इसी टीवी में। ये सेम प्रोसेसर लगाया जाता है LG की जो OLED टीवी है उसमें लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो कि वो लेवल का आपको प्रोसेसिंग इसमें देखने मिलने वाला है। तो वो एक बहुत अच्छी बात होगी इस नैनोसेल टेक्नोलॉजी और नैनोसेल सीरीज जो 2020 में आने वाली। और बात करें यहाँ पे इस टीवी के पैनल के बारे में, तो यहाँ पे लगाया गया IPS पैनल। इसी के साथ साथ पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको HDR10, इसी के साथ ही साथ डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे LG लेके आया डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आपको एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने मिलने वाला है इसी टीवी में।
और बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको LG का जो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वेब OS, वो आपको देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। इसी के साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट दिया गया इसी टीवी में। और बात करें यहाँ पे इनबिल्ट फीचर के बारे में, तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा और इसी के साथ साथ ऐप के साथ साथ ऐप पर एयरप्ले 2 प्लस होम किट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इसी टीवी में। तो यही थे सारे स्पेसिफिकेशन जो 2020 में आपको नैनोसेल सीरीज में देखने मिलने वाले हैं LG की तरफ से। अगर मैं इसको अगर कंपेयर करूँ जो 2019 में आई थी उनके सारे मॉडल से, तो यहाँ पे मुझे खाली एक ही चेंज लग रहा है यहाँ पे उनके प्रोसेसर का, जो वहाँ पे यूज़ कर रहे थे प्रोसेसर α7, यहाँ पे α9 का प्रोसेसर यूज़ किया है। इसी के साथ साथ जो मैंने बताया कि डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे उन्होंने इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको देने के लिए लेके आए हैं। और बाकी ऐसा कुछ खास मुझे मेजर तो लग नहीं रहा है फिलहाल, अभी मार्केट में जब आएगी हम उसको हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या और नया लेके आया है इस साल 2020 में LG की तरफ। और आप मुझे बताइए क्या आप एक्साइटेड हो इस नैनोसेल टेक्नोलॉजी और इस सीरीज को लेके, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ आपका क्या मानना है, सवाल सुझाव और आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में मत भूलिए लिखना। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पीगाइड चैनल को, हमारे हैप्पीगाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पीगाइड।